हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया पुलाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको मैं बनाऊंगी कुकर में। तो देखिए कितना बढ़िया खिला खिला पुलाव बन के तैयार हुआ है, वो भी प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए कितना डिलीशियस ये लग रहा है और खाने में उतना ही लाजवाब है। कम मसालों के साथ मैं इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला डालूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या है वो मेरा सीक्रेट मसाला। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए। और अब मैं इसको स्क्वीज कर लूंगी, सारा पानी इसका ड्रेन आउट कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन जो है इसको ड्रेन आउट कर लिया है, देखिए, और इसका सारा पानी जो है अलग कर दिया है। इससे क्या होता है, जो हमारी सोयाबीन है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और जो डर्ट अगर इनकेस उस पर होता है तो वो भी निकल जाता है। और यहाँ बासमती राइस है, इसको मैंने धो लिया है 2 से 3 बार और इसको भिगोया बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 अनियन, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, टमाटो और ग्रीन चिली। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा। और जीरे के साथ साथ हम कुछ खड़े मसाले और डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 काली इलायची बड़ी वाली जो होती है, और 5 से 6 लौंग। और बस जैसे ही हमारा जो जीरा है हल्का सा कलर चेंज कर लेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे सोयाबीन। तो यहाँ देखिए हमारा जो जीरा है अच्छे से चटक गया है। इसके अंदर मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी है और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी अब सोयाबीन। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी में रोस्ट करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि अगर हम बिना फ्राई करें इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल ना घुल जाएंगी। तो ये देखिए इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, ब्राउन हो गई है ये 2 मिनट के बाद। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अनियन, और अनियन को भी सॉटे कर लेंगे। हमें अनियन को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और कलर चेंज हो जाए इसका, उतना ही हमें इसे भूनना है। और ये जो पुलाव है सोया पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और कुकर में हम बना रहे हैं, झटपट से बन जाएगा। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए अनियन भी हमारा फ्राई हो गया है, अब इसके अंदर हम टमाटर और ग्रीन चिली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे 2 बॉयल आलू भी रखे थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर आपके पास बॉयल आलू ना हो तो आप इसमें कच्चे आलू भी डाल सकते हैं। बॉयल आलू डाल रही हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इसके साथ भून रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ मेरे पास जो राइस मैंने धो के रखे थे वो डाल दिए। तो इसमें पानी का मेजरमेंट क्या रहेगा कि अगर आप 1 कटोरी राइस ले रहे हैं तो फिर उसमें 2 कटोरी पानी जाएगा, और 2 कटोरी ले रहे हैं तो 4 कटोरी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी राइस लिया है, इसके अंदर मैं 4 कटोरी पानी डालूंगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसको विदाउट एनी स्पाइसेस बना रही हूँ, सिर्फ एक मसाला डालूंगी, तो वो है ये चिंग का शेजवान फ्राइड राइस मसाला, इससे मैं इसको बनाऊंगी। और इसके अलावा और कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं पड़ेगा, ना ही हमें नमक डालने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, बट इस मसाले में ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं तो हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टेस्ट तो बहुत ही गजब का आता है। ये मसाला एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है पानी, तो 4 कटोरी में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारा मसाला है चावल में अच्छे से मिल जाए। तो 2 कटोरी पानी डाल दिया था, 2 कटोरी और डाल रही हूँ मैं। और बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए विदाउट एनी स्पाइसेस कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाला है, सिर्फ यही मसाला डाला है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इसका लिड लगा के दो विसल लगवा लेंगे इसको। तो यहाँ मैंने लिड लगा दिया है और इसको अब दो विसल लगवा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी दूसरी विसल भी लग गई है। अब इसकी हवा निकल जाए उसके बाद हम इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया और डिलीशियस राइस हमारे बनके तैयार हुए हैं विदाउट एनी स्पाइसेस। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खिले खिले बने हैं, ये देखिए। और टेस्ट में तो है ही बेहतरीन। इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।